A meaningful silence is better than meaningless words. निरर्थक शब्दों की तुलना में सार्थक चुप्पी हमेशा बेहतर होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो एलर्जी के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, बदलते मौसम में अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है और ये बसंत ऋतु है। सर्दी की मौसम चली गई, बसंत ऋतु में हम हैं और लोगों को एलर्जी के साथ साथ काफ़ी कुछ होने लगता है। तो इसके बारे में जो भी मेरे पास डिटेल्स है उसके बारे में सारे बातें मैं आपसे करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में कर सकते हैं। इस बसंत के मौसम में पेड़ पौधे और घास हवा में पराग छोड़ना शुरू कर देते हैं और ये पराग हवा में मिलकर हमारे सांसों के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एलर्जी होती है, जैसे कि आंखों में जलन, गले में खराश, सर्दी, जुकाम वगैरह वगैरह। तो इन सब से बचने के लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और मेरे चैनल में बने। बात करते हैं अदरक की। अदरक के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और फाइटोकेमिकल ये अच्छे स्रोत में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमें जोड़ों के दर्द और काफी चीजों में मितली में भी ये फायदा करता है अदरक। और अदरक हजारों सालों से औषधीय गुण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको सर्दी, जुकाम और गले में खराश वगैरह है तो आप अदरक को किसी भी रूप में ले सकते हैं, चाहे तो आप कच्चा खाएं इसे चबाकर, या फिर चाय के रूप में, या फिर अपने भोजन के आहार में अदरक ले सकते हैं, तो इससे आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं प्याज के बारे में। प्याज के अंदर में प्रोबायोटिक और क्वेरसेटिन, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट ये पाए जाते हैं प्याज के अंदर में, जो हमें एलर्जी से बचाते हैं। तो आप प्याज को सब्जी के साथ तो लेते ही हैं, लेकिन सब्जी के साथ लेने से ये ज़्यादा फायदा नहीं करता है। तो आप प्याज को कच्चा खाएं, चाहे तो सैलेड के रूप में या फिर ऐसे ही, आपके सर्दी, जुकाम, खांसी से भी आप बच सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपके इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है और आपके पेट में जाकर ये आपके आंत में अच्छे बैक्टीरिया बनाता है। तो इस मौसम में आप प्याज का इस्तेमाल। बात करते हैं हल्दी के बारे में। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, जिसको इसका पावर हाउस माना जाता है। ये हमारे एलर्जी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये आपके सूजन, आंखों में जलन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी को आप दूध के साथ ले सकते हैं, हल्दी को आप काली मिर्च के साथ ले सकते हैं। तो इस मौसम में मैंने आपको बताया हल्दी के बारे में, प्याज के बारे में और तीसरा है अदरक के बारे में। तो ये एलर्जेटिक चीजों को रोकता है। आप इस मौसम में इन चीजों का प्रयोग करें और मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।